जो अपने पति को अपनी सहेली के घर में डाका डाल सकती है अपने फायदे के लिए, तो वो इस जनता भूखे मरे मरे उससे क्या लेना देना है। अब ये सिलेंडर लेके जाएंगे तो थप्पड़ मारेंगे उनके खींच खींच के, वही सिलेंडर मारेंगे सर पे कि भाई तुम सिलेंडर फ्री उज्ज्वला योजना के फ्री के तो रख दिए तुमने, लेकिन इसमें गैस कौन भरवाए महीने की। अरे आप एक बात बताओ, जिस महिला का घर ना चल रहा हो और अपने फ्रेंड के पति को ही जो है जिसने कब्जे में कराओ मेरा घर चल जाए मुझे पैसा मिल जाए, तो वो जो है अब इतनी बड़ी पार्टी की सत्ता को छोड़ देगी है? पागल है वो, धूप में जो है गलियों में चक्कर काटेगी वो, और उसकी बेटी की करोड़ों की शादी अरबों की शादी में जो खर्च करा है तो वो हजारों में जो है ना लाखों में उसे करना पड़ता, कौन उसकी मीडिया में फोटो आती? तो पागल थोड़ी ना वो सड़कों पर चलेगी जो है मजदूरी करेगी या नौकरी करती फिरेगी, तो वो नहीं बोलेगी किसी की आवाज़, वो किसी की आवाज़ नहीं करेगी जो अपनी सहेली की नहीं हो, अपने घर के नहीं हुआ, अपने दोस्त को नहीं है, वो दी जनता का क्या है कि कीड़े मकोड़े हैं ये जनता, ठीक है? इन्होंने जो है साथ दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, तो इनकी कोई उसने फेवर नहीं लेनी है। आप कितने भी उतारने तोड़ा लो, वो सिलेंडर कितना भी करवा लो 4000 करवा लो, वो नहीं बोलेगी। भाई पढ़ो मत, डॉक्टरी मत सीखो, तुम बस राम नाम हनुमान यही सब जपते रहो बस। मैं इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, और राजनीति में महिलाओं का भागीदारी है वो बहुत कम नजर आती है, लेकिन एक महिला राजनेता हुआ करती थी जो हर बार सिलेंडर लेकर पहुंच जाया करती थी संसद के सामने और महंगाई का रोना रोती थी। मैम स्मृति ईरानी हर बार जब सिलेंडर के 1-2 रुपए बढ़ते थे तब संसद के सामने नजर आती थी, अब क्यों नहीं नजर आ रही है जब होली का तोहफा इतना बेहतरीन मिला है कि 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गए? देखिए पहले वो जो है अपोजिशन में थी, उनकी सत्ता नहीं थी, तो सत्ता लेने के लिए उन्होंने जो है जो प्रपंच रचने थे वो रचे उन्होंने, ठीक है ना, और उसके बाद जब सत्ता आ गई है तो अब सत्ता उन्हीं की है तो वो किसका विरोध करेगी, अपनों का विरोध करेगी क्या? तो अब सत्ता उनकी है तो उसके लिए सिलेंडर चाहे 2000 पहुँच जाए वो तब भी नहीं बोलेगी, क्यों बोलेगी? वो पार्टी से निकाल देंगे उसको। जो अपने पति को अपनी सहेली के घर में डाका डाल सकती है अपने फायदे के लिए, तो वो इस जनता भूखी मरे मरे उससे क्या लेना देना है? तो जो सहेली को दगा दे सकती है जनता, तो कौन लग रही है इसकी? कोई नहीं लग रही। तो वो जो 2000 का भी बोल दोगे स्मृति ईरानी आपके लिए एक भी जवान नहीं खोलेगी, क्योंकि आज उनकी पार्टी जो है सत्ता में है और वो अपनी पार्टी से निकलना नहीं चाहती, वो राज को छोड़ना नहीं चाहती। वो कोई पागल है जो इन महिलाओं की तरह जो है राज से हट गई तो बेघर हो जाएगी? क्यों हटे वो राज से? उसे क्या बेघर होना है? उसे क्या जो है खेतों में जाके मजदूरी करनी है? उसने जो है कोई सरकारी संस्थान में जाके नौकरी करनी है? ठीक है, तो वो तो पागल बना के जनता को जो है खुद ऐशो आराम, देखो ना बेटी की शादी में कितना करोड़ों अरबों रुपया लगाया है, तो ऐसे ही थोड़ा ना आ जाएगा, तो पागल थोड़ा ना इस जनता की लाइन में खड़ी होगी। वो जनता के लिए अगर 2000-3000 का भी सिलेंडर करोगे वो नहीं बोलेगी। मैम स्मृति ईरानी विपक्ष में रहकर इतना बढ़िया रोल निभा सकती है कि वो विपक्ष में थी तो खूब प्रदर्शन करती थी, अब विपक्ष क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहा है? क्योंकि 24 का चुनाव तो अब 1 साल बाद ही है, विपक्ष पूरा शांत बैठा है, कैसे बदलेगा 24 का नतीजा? देखिए जो है विपक्ष जो है एक पहलू सिलेंडर का तो खेल चुके हैं, वो बार बार ये जनता को नए नए तरीकों से बेवकूफ़ बनाना होता है। अब एक का राज तो खुल गया, अब ये सिलेंडर लेके जाएंगे तो थप्पड़ मारेंगे उनके खींच खींच के, वही सिलेंडर मारेंगे सर पे कि भाई तुम सिलेंडर फ्री उज्ज्वला योजना के फ्री के तो रख दिए तुमने, लेकिन इसमें गैस कौन भरवाए महीने की, ठीक है? अब उनके पास जो है हिंदू मुस्लिम का नारा भी थोड़ा सा उसका कम होता जा रहा है, तो अब उन्होंने नए तैयारी है, एक तो राम मंदिर जो है 2024 में ये खोल देंगे, ठीक है, और दूसरा जो है आपका जम्मू कश्मीर को जो है ये दर्जा देने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से ये जो है दोबारा से इस जनता की वोट को घेरने का घोटने का जो है ये काम करेंगे। अरे आप एक बात बताओ, जिस महिला का घर ना चल रहा हो और अपने फ्रेंड के पति को ही जो है जिसने कब्जे में कराओ मेरा घर चल जाए मुझे पैसा मिल जाए, तो वो जो है अब इतनी बड़ी पार्टी की सत्ता को छोड़ देगी है? पागल है वो, धूप में जो है गलियों में चक्कर काटेगी वो, और उसकी बेटी की करोड़ों की शादी अरबों की शादी में जो खर्च करा है तो वो हजारों में जो है ना लाखों में उसे करना पड़ता, कौन उसकी मीडिया में फोटो आती? तो पागल थोड़ी ना वो सड़कों पर चलेगी जो है मजदूरी करेगी या नौकरी करती फिरेगी, तो वो नहीं बोलेगी किसी की आवाज़, वो किसी की आवाज़ नहीं करेगी जो अपनी सहेली नहीं हुआ, अपने घर के नहीं हुआ, अपने दोस्त को नहीं है, वो जनता का क्या है कि कीड़े मकोड़े हैं ये जनता, ठीक है? इन्होंने जो है साथ दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, तो इनकी कोई उसने फेवर नहीं लेनी है। आप कितने भी उतारने तोड़ा लो, वो सिलेंडर कितना भी करवा लो 4000 करवा लो, वो नहीं बोलेगी। स्मृति ईरानी जी को कहिए कि आप एक काम करिए, मीडिया को लेकर कुछ ऐसे इलाकों में जाओ जहां पर एक घर में छोटे से घर में 15-25-30 गज के घर में जो है 8-10 लोग रह रहे हैं, ऐसी कॉलोनी में आप जाओ और वहाँ पे पूछो कितनी जनता खुश है। हम खोड़ी गांव से आए मैडम, हमारे मकान सब तोड़ चुके हैं और बोर्ड हमारे से लेकर चले जाते थे, लेकिन 15-20 हज़ार मकान तोड़ दिए हैं। अच्छा। कितने का तो बेचारे पति खत्म हो गए, बेटे खत्म हो गए, बेरोजगार हो गए हैं, किराए पे भी कहीं कमरा नहीं मिलता है, मतलब बच्चे जवान हैं, अब इस टाइम हम मकान कहाँ से बनाएंगे, कैसे बच्चों की शादी करेंगे? दूसरी जगह मकान दिया तोड़ने के बाद? जी नहीं, बिल्कुल। कितना टाइम हो गया?
ये 2 साल हो जाएंगे, दूसरा साल लग रहा है, 1.5 साल हो चुका है। पढ़ते थे वो भी आज बिना पढ़े लिखे हो रहे, शिक्षा नहीं मिल रही उनको, घर से बेघर हो रहे हैं, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे दी है सरकार ने हमें। हमारा बिल्कुल झुग्गी डाल ली थी हमने, झुग्गी भी तोड़ के चले जाते थे बिल्कुल भी, लेकिन किसी हाल भी वहाँ टिकने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तोड़ा जब तोड़ने आए तो सभी सभी महिलाएं जी जी, हम ये जनता से भी पूछते हैं जी, मुद्दा क्या है बताइए? परेशानी यही है कि पानी नहीं आ रहा है, सिलेंडर सब महंगा हो गया हर समय। आप दिल्ली में रह के, देश की राजधानी में रह के आप कह रही हैं पानी नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं स्मृति ईरानी जो है जनता के पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी, हमारी जनता बहुत खुश है, अमृतकाल चल रहा है, आप कह रहे हो पानी की बात कर रहे हो, यहाँ अमृत मिल रहा है, सूखा पड़ा है, जहाँ कहूँ पानी पड़ रहा है कहूँ सूखा पड़ा है। देखिए यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि जनता वो है जो इन्होंने खड़ी कर रखी है, वो इनके लिए जनता है, लेकिन जनता हमारे लिए वो है जो जे क्लस्टर्स में रह रही है, झुग्गियों में रह रही है, 25-25 गज के मकानों में रह रही है, भीड़ी भीड़ी गलियों में रह रही है, जहाँ पर लाइट पानी नहीं है, वो मेरे लिए वो जनता है। आप बता रही इतनी ज़्यादा जनता परेशान है, तो फिर अल्टरनेटिव क्या है, सरकार बदली कैसे जाएगी? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तो टीवी का बहिष्कार कर देना चाहिए। अच्छा, टीवी पर एक भी हमारी खबर नहीं आती है, इनके बच्चे कितने बेरोजगार हैं, कौन इन्हें नशे की तरफ ले जा रहा है, कौन इनको जो है ब्लू फिल्में दिखा रहा है, कौन इनके स्कूलों में, अब आप देखिए चौधरी जो ब्रह्म प्रकाश यूनिवर्सिटी है डाबरखेड़ा में हॉस्पिटल है, वहाँ पर मंदिर बना दिया है, वहाँ पर रामचरितमानस अनुमान पाठ होता है, सरकारी संस्थानों में चले जाओ वहाँ पर देवी देवताएँ घुसा दिए हैं, तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई पढ़ो मत, डॉक्टरी मत सीखो, तुम बस राम नाम हनुमान यही सब जपते रहो बस। तो इस तरीके की जो बुरी हालात देश में जो है बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और सारी सरकारी संस्थानों में देवी देवता घुसाकर वो 33 करोड़ देवी देवता आज तक इस देश में नहीं कर पाए, अब वो घरों में भी, शिक्षा के संस्थानों में भी घुसाकर ये क्या करना चाह रहे हैं, इस देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं, इसकी शिक्षा नीति को बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है, टीवी का बहिष्कार महिलाओं को करना पड़ेगा और महिलाओं को बाहर निकल के आना पड़ेगा। सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि महिलाएं शिक्षा ग्रहण करें, और मैं आज कहती हूं कि महिलाएं राजनीति में आए, सामाजिक सम्मेलनों में आए। जिस दिन 50% महिलाएं आने लग गई, इनकी भागीदारी राजनीतिक और सामाजिक संगठन में हो गई, ये सब भाग जाएंगे। देखिए मजबूत नेता बहुत है, माला जो है मोतियों से मिलके माला बनती है, ठीक है, और मोती हमारे पास बहुत है। अगर मैं आपको गिनवाने चलूं तो अभी हमारे यहाँ नव कुमार सरनिया जी 2 बार के आजाद जो है सांसद हैं आसाम से, ठीक है, जनता उनको चुन के भेजती है आजाद, उन्हें बीजेपी के कोई तमके की जरूरत नहीं, उन्हें कांग्रेस की जरूरत नहीं, ना वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनका वो काम करते हैं और जनता का वोट लेते हैं, ठीक है। आप राजकुमार सैनी जी हैं XMP कुरुक्षेत्र, वो रथ यात्रा उनकी हरियाणा में चल रही है, और उन्होंने इतना तगड़ा पाखंडवाद पे अंधविश्वास पे प्रहार किया है कि इसी की वजह से तुम जो है, तुम्हारा जो है एक शराबी जो है सिर्फ अपना नुकसान करता है, लेकिन जब एक पाखंडी महिला होती है तो वो अपने बच्चों को भी पाखंड में धकेल देती है, शिक्षा उससे दूर कर देती है, तो इसीलिए जो है वो अंधविश्वास पाखंडवाद और हिस्सेदारी की बात जनता की कॉलोनियों में जा जाके रथ यात्रा द्वारा बता रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, मायावती जी बहन जी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे नेता नहीं है, हमारे थोड़े से बिखरे हुए हैं, ये मोती जिस दिन एक माला में पुर गए तो ये हार बन जाएगा और देश को जो है आजादी की तरफ। लेकिन आप हार बनाने की बात कर रहे हैं, फिर आपके नेताओं को तो जेल में डाल दिया जाता है, ED CBI लगा दी जाती है, तो रास्ता तो बहुत लंबा है ना, और 24 का चुनाव नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, जितना शोषण होएगा ना क्रांति उतनी जल्दी आती है। हाँ। मैं कहती हूँ थोड़ा सा और शोषण कर दे इनका, और ज्यादा करें, हाँ थोड़ा और कर दे, ताकि 2024 तक सारे एक हो जाए, और जैसे ही नेता एक, सामाजिक संगठन एक, जनता तो इनके इशारे पे खड़ी है बस, तो हमारे राजनीतिक नेता और हमारे सामाजिक संगठन एक हो जाए, देखो मैं कैसे गर्व से कहती हूँ कि मेरा भारत जो है विश्वगुरु बनने में दोबारा से इसे टाइम नहीं लगने वाला। तो ये जो है इतिहास और असली दुश्मन, ये घर घर तक पहुँचाना जरूरी है, तो इस तरीके की रथ यात्राएं जो है होती रहनी चाहिए। मैम रथ यात्राएं तो इस देश में बहुत सारी देखी हैं, एक अडवाणी जी ने भी रथ यात्रा निकाली थी, दंगे हुए थे, अंत में जाके उसका नतीजा हम 2024 में देखने वाले हैं, इस रथ यात्रा में और उस रथ यात्रा में क्या अंतर होगा? देखिए उस रथ यात्रा में हमारे हक लूट रहे थे, मंडल को कमंडल बना रहे थे, मंडल कमीशन अगर पूर्णतः लागू हो जाता, 52 का 27 ही मिल रहा था हमें, लेकिन 27 भी अगर हमें MP MLA में भी मिल जाता इस बैकवर्ड को, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन इन्होंने तो मंदिर वहीं बनाएंगे, श्री राम के नारे लगाएंगे,
इन्होंने कहा कि देखो, हाँ जी, इन्होंने कहा देखो भाई एससी एसटी ने पहले ही 22.5% आरक्षण ले लिया, अब ये और आरक्षण ले रहे हैं। तो वो बैकवर्ड भाग गया कि भाई ये तो हम लूट रहे हैं। और उसने भी कहा कि नहीं, आडवाणी हमारा फेवर ले रहा है, और आडवाणी के साथ जो है चल दिए, और वो मंडल जो है कमीशन पूर्णतः लागू नहीं हुआ, और उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भुगत रही है। तो इसमें और हमारी रथ यात्रा में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो है इनको इनका इतिहास बता रहे हैं, इनको जागरूक कर रहे हैं, जागरूक मतदाता बना रहे हैं इनको, और ये जो है हमें अंधकार में ले जाने के काम कर रहे थे। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर। बहुत धन्यवाद। किस किस एंगल्स में देखी जा रही है आपके इस पूरी बातचीत के बारे में विचार क्या है, मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। और इसी तरह की खबरों के लिए, इस तरह की बातचीत के लिए एचएनबी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी डीएस गौतम के साथ दिल्ली के रामलीला मैदान से एचएनबी न्यूज के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।